ने जो केमिकल स्पेस पे काफी समय से अपना कन्विक्शन दिया था, मस्ट कंग्रेचुलेट यू SRF और दीपक नाइट्रेट और तमाम स्टॉक्स जो कल अच्छी मूव के साथ थे, पर क्या एक बार के लिए टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से इसे एक डेड कैट बाउंस भी कई लोग कह रहे हैं, इस स्पेस में आरती इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स आए, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे फंडामेंटल थोड़े से बेटर हो रहे हैं केमिकल स्पेस आउटलुक के? क्योंकि आप चैनल चेक से देखें तो जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं, केमिकल कमोडिटीज हैं, केमिकल आइटम्स हैं, उनके पीक से 50-50% प्राइस गिर चुके हैं। Correct, Priyanka, but that is in the price. Acetone prices from 25 have come down to 15, and so has phenol. But I think जो अब उनमें upside आएगा, given that China rebound, given the case that valuations have become attractive, तो आपको invest कब करना है जब there is numbers are discounting the future and SRF का management ही ले लीजिए, वो कितना optimistic था on the second half. दूसरा आपके लिए हमेशा होएगा डेड कैट बाउंस, आज भी आ रहा है कि मार्केट्स आर इन फॉर अ डेड कैट बाउंस, डोंट गेट सक्ड इन, देयर विल ऑलवेज बी टू कॉल्स ऑफ द मार्केट, वन इज ऑन द बुल साइड, वन इज ऑन द बेयर साइड। हम तो पेरिनियल बुल है, हम तो यही कहेंगे कि आप अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे तो आप कमाओगे क्या? अभी भी मैं सोचता हूँ 19,700 के ऊपर दिवाली मनेगी तो बी पॉजिटिव, और स्पेशलिटी केमिकल में पर्टिकुलरली SRF और दीपक नाइट्राइड, ये दोनों मेरे हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने अक्यूमुलेट किया है डिस्क्लोजर, हमें लगता है ये शेयर यहाँ से अगले 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो शॉर्ट टर्म में दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड अ लॉट ऑफ द प्राइसिंग ऑफ दीज केमिकल्स, बट आई वुड से के इन्फ्लेशन प्रेशर विल सी दीज प्राइसेस राइज इन टैंडम एंड यू शुड बी लुकिंग टू बाय दीज इन अ पोर्टफोलियो।